हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं थर्ड क्लास का आपको फोर्थ लेसन पढ़ाऊंगी व्याकरण में, ठीक है, पार्ट चार। क्योंकि बेटा टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ लेसन स्किप कर दिए गए हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। तो जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको व्याकरण में संज्ञा। क्या पढ़ाऊंगी? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए, संज्ञा होता है जैसे किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं वैसे नॉर्मल, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा में है, जैसे किसी व्यक्ति, ये देखिए है ना, किसी व्यक्ति और वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या ही डेफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे इस चित्र में आपको दिखाए गए हैं, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? बलून्स दिख रहे हैं, ठीक है, और जैसे बच्चों का नाम है, मान लो किसी का नाम रामू है, सीता है, व्यक्ति हैं जो लोग हम जिनको बोल रहे हैं, कई दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, दुकानें दिख रहा है, मेला है, क्या लग रहा है, ये मेला लग रहा है, खिलौने हैं उसके अंदर, गुब्बारे हैं। तो ये सब जो जो भी जिस भी चीज़ का नाम है उसको हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, इसकी परिभाषा ये हो गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और भाव, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे रामू, सीता, शांतिपुर, और भाव जैसे हो जाता है खुशी, हरियाली, है ना, बुढ़ापा, ये सब भाव में आते हैं बेटा, है ना। तो ये हो गया आपकी संज्ञा की परिभाषा। क्या हो गई? संज्ञा की परिभाषा। अभी देखिए, जैसे इसमें स्थानों के नाम दे रखे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस चित्र दे रखा है ना आपको, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है यानी कि विद्यालय जिसे हम कहते हैं, वह, ये सब तो आ गए स्थान के अंदर। व्यक्ति में आ गया आपका, व्यक्तियों के नाम के अंदर आ गया। देखो जैसे इसमें दे रखा है इंदिरा गांधी, क्या दे रखा है? इंदिरा गांधी। और नेक्स्ट वाला है मौलाना आज़ाद। तो इस प्रकार जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, किसी का भी नाम ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, एक्टर्स का, किसी का भी नाम ले लो, तो व्यक्ति का नाम भी संज्ञा ही है। अभी देखिए, वस्तु, वस्तु है इसमें चित्र दे रखा है साइकिल। किसका चित्र दे रखा है? ये है साइकिल, ठीक है। तो ये साइकिल क्या है? एक वस्तु है। यहाँ पर एक दूसरी वस्तु दे रखी है किताब, ये देखिए किताब, है ना, तो ये भी एक वस्तु है। तो ये वस्तु भी संज्ञा के नाम में, इसका नाम जो है किताब, तो वो भी संज्ञा में ही आएगा, ठीक है। अभी देखिए आप, जैसे तो ये सब हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये दे रखा है ना आपका किसी व्यक्ति, ये देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई आपकी संज्ञा। इसमें देखिए विशेष दे रखा है, जैसे कुछ चीज़ें इसमें विशेष हैं, जैसे कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो न वस्तु होते हैं और न ही स्थान, न ही व्यक्ति, वे सभी संज्ञा होते हैं। कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो ना तो व्यक्ति होते हैं, ना वस्तु होते हैं, ना स्थान, मतलब स्थान होते हैं, लेकिन फिर भी वे संज्ञा के अंदर अंतर्गत आते हैं। जैसे हवा चल रही है, तो हवा, हवा भी एक नाम ही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उसको। तो हवा चल रही है, हवा, हवा भी एक नाम है, तो वो भी किस में आएगा? संज्ञा में। इसी प्रकार देखिए, भगवान मेरी रक्षा करो, ये देखा ना आपने सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, ये वाला सेंटेंस, भगवान मेरी रक्षा करो, तो इसके अंदर जो भगवान है ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, नीले रंग से, तो वो भी एक नाम है, ठीक है। क्या आपने भूत देखा है? तो भूत भी इसमें जो है वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनको हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अतः उपयुक्त तीनों रंगीन शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाएंगे, भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु इनके नाम अवश्य हैं, इनके नाम तो हैं, इसलिए हम इनको भी संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। अतः नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही, कि किसी भी नाम को
संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अभी देखिए संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन। कितने भेद होते हैं ये देखिए, तीन दिख रहा है ना आपको, तीन भेद होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं देखते हैं इनका। पहला है व्यक्तिवाचक, पहला कौन सा है इसमें, व्यक्तिवाचक है ना। दूसरा है इसमें जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों, ये देखिए तीनों दिख रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तीनों नाम हैं, ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रॉपर नाउन, जिस नाम के अन्य रूप न हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस नाम के अन्य रूप, और कोई रूप नहीं हो सकता, उसका फिक्स रूप होता है, एक निश्चित रूप होता है, उसको हम, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखिए आप इसमें आ रहा है महात्मा गांधी, भगत सिंह, कुतुब मीनार, तो इनका कोई अन्य रूप नहीं है, ये एक ही हैं, तो ये किस में आएंगे, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये तीनों, ठीक है। अभी देखिए आप जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, क्या कहते हैं इसे, कॉमन नाउन, आप इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है, कॉमन नाउन। अभी देखिए आप जिन नाम के अन्य रूप हों उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए जैसे इसमें, उसमें तो क्या है, किसी कोई और रूप नहीं होना चाहिए व्यक्तिवाचक में, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है कि वो उसके अन्य रूप होते हैं। अभी देखिए कैसे, अभी देखो इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे पुरुष, अब पुरुष तो विशेष किसी का नाम नहीं होता है ना, पुरुष, पुरुष में तो सभी पुरुष आ जाते हैं, सभी आदमी जो होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो सभी आ जाते हैं, तो पुरुष में ये कौन सी होगी, हमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हमें जाति का बोध करा रहा है, क्या करा रहा है, जाति का, कि ये पुरुष है, पुरुष जाति है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अभी देखिए महिला, अब महिला के अंतर्गत किसी विशेष महिला का नाम नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि महिला, तो महिला क्या है, एक जाति, जाति है, ठीक है, महिला भी जाति के अंतर्गत आएगी। लड़की, लड़की में भी किसी विशेष का नाम नहीं बता रहा है, लड़की है, तो वह भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो यानी कि एक कहते हैं ना, ग्रुप का एक निर्देश देता है, जैसे पुरुष है, महिला है, लड़की है, इनका विशेष कोई नाम नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इनको इंगित किया जा रहा है कि ये पुरुष है, महिला है, लड़की है, तो वह क्या कर रहा है, उसकी जाति बता रहा है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अन्य रूप भी हो सकते हैं, लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, महिला कोई भी महिला हो सकती है, पुरुष कोई भी पुरुष हो सकता है, देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए आप, दूसरा भेद है इसका भाववाचक संज्ञा, कौन सा है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, वे संज्ञा जिन्हें हम केवल भावों से महसूस किया, भावों से महसूस किया जाए, ठीक है, जैसे किंतु देखा न जाए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे मतलब महसूस करने वाली चीज़ें जो हम महसूस ही कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक। अभी देखिए इसमें बुढ़ापा, व्यक्ति जब मतलब थोड़ा वृद्ध हो जाता है, झुक जाता है थोड़ा सा, मतलब दिखता है आपको बुढ़ापे में कैसे दिखते हैं ना, तो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, क्या है बेटा, भाव। इसी प्रकार बचपन, बच्चा छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वह यह है उसका बचपन है, तो बचपन भी किस में आ गया, भाव के अंदर आ गया, है ना। अभी देखिए जैसे उदाहरण में ऊपर दे रखा है ना, ये आपको ये देखो, ये दे रखा है ना, बुढ़ापा, खटाई, बचपन, ये सब क्या हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा, ये भाव हैं, इनको हम जैसे महसूस कर सकते हैं, इन चीज़ों को खाते हैं हम, किसी इमली को खटाई, जैसे इमली खाते हैं हम, तो हमें महसूस होती है कि खट्टी है, कैसी है, खट्टी है, ठीक है। तो ये जैसे खट्टी है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का भाव है, क्या ये भाव है ना, भाव का, भाव महसूस कराती है हमें, ठीक है। तो देखिए विशेष में भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों की सहायता से बनती है, जैसे बचपन, बच्चों से बचपन, ठीक है, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, मीठा से मिठास, है ना, आदि। दूसरा है भाववाचक संज्ञा वाले नामों को महसूस किया जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता, ओके।
तो आपने देखा कि हम संज्ञा है, संज्ञा के तीन भेद बता चुके हैं। इसी प्रकार देखिए आगे कुछ विशेष लिखा है, हम जान गए हैं कि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार जो नाम दिखाई नहीं देते वे भी संज्ञा हैं, जैसे ईश्वर, हवा, भूत, ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी ये संज्ञा, मैंने संज्ञा का जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो आप इसको एक बार किताब में से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा, है ना, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। और डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है संज्ञा वगैरह की, ठीक है, वो मैं आपको PDF के जरिए भी लिख के भेज दूँगी, ठीक है। तो आप ये वर्क कर लेना, इसका जो ये बुक का वर्क है वो बुक में ही करना, केवल क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर हैं वो आपको कॉपी में ही करने हैं, ओके, बड़ी सुंदर राइटिंग में करना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।